हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्षिण स्वाद। तो आज मैं आप लोगों के लिए सिर्फ 5 मिनट में बनने वाला एक करी का रेसिपी लेकर आई हूँ। मोर करी कहते हैं इसको, मोर यानी कि बटर मिल्क। अगर आपके पास दही अवेलेबल है तो आप सिर्फ 5 मिनट में ये करी तैयार कर सकते हो। चपाती के साथ, चावल के साथ बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। तो चलो रेसिपी देखते हैं। तो एक बर्तन या फिर एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच तेल डाल दीजिए। तेल हल्का सा गर्म होने के बाद उसमें 1/2 चम्मच सरसों डाल दीजिए। सरसों को स्प्लैटर होने दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो करी है हमें बिल्कुल धीमी आंच में रख के कुक करना है। पूरा स्टार्टिंग से एंड तक, शुरुआत से अंत तक हमें ये बिल्कुल धीमी आंच में ही रखना है। तो जैसे ही सरसों जो है थोड़ा स्प्लैटर हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें 3 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। अब इसमें मैंने 1/2 चम्मच अदरक चॉप किया हुआ डाल दिया है। उसके बाद 6 से 7 लहसुन लेके उसको भी चॉप करके इसमें डाल दिया है। उसके बाद मैंने प्याज को काट के डाल दिया है। तो मैंने यहाँ पर छोटी प्याज लिया हुआ, शैलोट्स जो होते हैं। आप बड़ा प्याज ले रहे हो तो छोटा सा एक प्याज लेके उसको बारीक काट के इसमें डाल दीजिएगा। अब इसको बिल्कुल धीमी आंच में रख के हमें सौते करना है। जैसे ही अच्छी तरह सौटे हो जाएगा, उसमें मैंने 2 हरी मिर्च बीच में से स्लिट करके काट के इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं करी पत्ता डाल रही हूँ। बिल्कुल धीमी आंच में इसको सौटे कीजिएगा। ये जो अच्छी तरह सौटे भी करना है, क्योंकि इसी से हमारे पूरे करी में फ्लेवर आएगा। वैसे हम किचन में बहुत सारे रेसिपीज ट्राई करते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ रेसिपीज़ के लिए बहुत सारा टाइम उसके लिए स्पेंड करते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमें मूड नहीं होता या फिर इतना टाइम नहीं होता है कि एक ग्रेवी बना दें। तो उस वक्त अगर आपके पास दही अवेलेबल है तो आप झटपट से ये टेस्टी करी तैयार कर सकते हो। अक्सर जब मुझे मूड नहीं होता है, मतलब ज़्यादा किचन में टाइम स्पेंड करने का मूड नहीं होता है, तो मैं झटपट से ये वाला करी बना देती हूँ। ये बहुत ही जल्दी बहें और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अब सौटे होने के बाद मैंने इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल दिया है। बस एक बार सारा मिक्स करने के बाद तुरंत ही हम इसमें दही डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर 2 कप दही डाल रही हूँ। ये घर का बना हुआ दही है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। और अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अब इसको हम बिल्कुल धीमी आंच में रख के 2 मिनट के लिए हिलाते रहेंगे। और ध्यान रखिए कि बिल्कुल भी बॉईल नहीं होना चाहिए, वरना ये फट जाएगा। और ये जो गरम करने वाला स्टेप है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गरम करने के बाद ही इसका असली टेस्ट इसमें से उभर कर आएगा।
तो गरम ज़रूर कीजिएगा, लेकिन बिल्कुल धीमी आंच में रख के आराम से गरम कीजिएगा। अगर आप इसको धीमी आंच में रख के गैस में छोड़ के चले जाओगे तो ये हल्का सा फट सकता है, तो आप धीमी आंच में रख के इसको कंटिन्यूअसली हिलाते रहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने 2 कप दही डाला है, उसके साथ आप 1 कप पानी भी इसमें, लेकिन मैं अक्सर इसमें पानी नहीं डालती हूँ। और आप जो इसके लिए दही लोगे वो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इस रेसिपी का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये मेथी का पाउडर। तो मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून मेथी पाउडर डाल दिया है इसमें। ये लास्ट में जो मेथी पाउडर डलता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा। कुछ लोग तड़के के टाइम पे 1 पिंच मेथी के दाने भी डालते हैं, लेकिन मैं तड़के के टाइम पे नहीं डालती, लास्ट में मेथी पाउडर डायरेक्ट डाल देती हूँ। ये लास्ट में मेथी पाउडर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सारा एक बार मिक्स कर लीजिए और गैस को ऑफ कर दीजिए। तो हमारा झटपट बनने वाला मोर करी यानी कि दही का करी यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। अब एक और रेसिपी बताती हूँ इसी के साथ। आप इसमें से थोड़ा सा 1 ग्लास में डाल दीजिए, उसमें हल्का सा नमक डाल के 1 ग्लास चिल्ड वाटर डाल दीजिए और उसको पी के देखिएगा। देख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वो ड्रिंक कैसा लगा। बहुत ही सुपर है, गर्मी के टाइम पर तो बहुत ही बढ़िया है। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और झटपट बनने वाले रेसिपी के साथ फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।